रामलालांक स्थपति हेबे कि ओडिया पुओ मूर्तिकार चयन प्रक्रिया रे आगरे ओडिया शिल्पी पद्मविभूषण सुदर्शन साहू को मिली पारे दायित्व ओडिशार पथर रे भी बनी पारे रामलालांक प्रतिमा सारा विश्व अपेक्षा करिछि केबे से सहेबो। अयोध्या रे रामलालांक भव्य मंदिर निर्माण कार्य राम जन्मभूमि रे मर्यादा पुरुषोत्तमंक दिव्य प्रतिमार दर्शन पाई समस्त अधीर कारण इथिसह जोड़ी होइछि कोटी कोटी हिंदूंक भावावेग तेबे अन्य मानंक ठु आगरे रहिछि ओडियांक भावावेग कारण जणे ओडिया स्थपतिंक निहण स्पर्शरे रूप नेबार रामलालांक प्रतिमा एपरि संभावना एबे जोर धरिछि। रामलालांक प्रतिमा किपरि हेबो ओ के करिबो सेने जेउ चयन प्रक्रिया चालिछि सेथिरे आगरे अछन्ति विशिष्ट पथर शिल्पी पद्म विभूषण सुदर्शन साहू। देश के कुछ ख्यातिनाम मूर्तिकार, उसमें एक उड़ीसा के हैं मूर्तिकार जिनको पद्म विभूषण मिला है। मो परे जदि आपण विश्वास रखुछन जगन्नाथ को प्रार्थना करंदु राम कर जदि आशीर्वाद हबो 84-85 वर्ष वयस रे राम को मूर्ति निर्माण पई धन्य हि जीव मु उड़ीसा भी धन्य हि जीव। रामलालांक बाळुत मूर्ति शोभा पाइबो अयोध्यार भव्य मंदिर रे तेबे प्रतिमार रूप किपरि हेबो तार नमूना प्रस्तुत करिछंती देशर बछा बछा चारि जण मूर्तिकला विशेषज्ञ सेमानंक मध्यरे अछंती पद्म विभूषण सुदर्शन साहू। मिटर सभ्य मानक भितरु समस्त भितरे प्रथम करी कहिले जे चंपत राय जे के महामंत्री राम दुई रु अढ़ाई वर्ष हब जदि पद्म विभूषण सुदर्शन साहू को एही दायित्व मिले ओडिशा पाई एहा हेब बड़ा गौरवर विषय। खाली सेतिकि नुहे जो पथर रे रामलालांक प्रतिमा बनिबो ताहा भी ओडिशारु जीवार रहिछि जथेष्ट संभावना। बालेश्वर स्वर मोहु मुहाण रे मिलुथिबा आकाशिया रंगर पथररु निर्मित होइपारे रामलालांक प्रतिमा ए खबर जणा पड़िबा परे मोहु मुहाण रा शिल्पी जगत भी कृत्य कृत्य। आकाश रंगर पथर ओडिशा रे अछि कला जदि न करिवे मु प्रस्ताव देछि सेही पथर रे जहार मूर्ति रे सुंदर हबो पथर आमे दबा महु मुहाण बोली अच्छी बालेश्वर रे सेठी ही पत्थर मिलुची। बहुत खुशी से खुशी मु आपन को व्याख्या करि परिबुनी एते आनंद बहुत भल लागु जी जे आम बागुड़ी पहाड़ रो पत्थर प्रकृत रो जीव ये गोटे स्वप्न थिला जेदि आज वास्तव रे परिणत होबो जाउची से रामचंद्र को प्रतिकृति तयारी हो सुदर्शन सर हाथ रे। सेपटे अयोध्या रे भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य जोर शोर रे आगे चली सारा देश रु सह सह शिल्पी जी जान लगाई देछंती मंदिर निर्माण रे केंद्र सरकार भी लगाई पूरा जोर 2024 जनवरी सुधा मंदिर प्रतिष्ठा शेष हेबो बोली केंद्र गृहमंत्री घोषणा परे कोटी कोटी सनातन धर्मी मध्य बढ़ी जाइछि आहुरी उत्कंठा। तो राहुल बाबा रोज पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे तिथि नहीं बताएंगे और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अयोध्या रे आज जे रामलालांक मंदिर वास्तव रूप नेबाकू जाउछि एहा पछरे रहिछि लंबा संघर्ष और बलिदान रे इतिहास। 1528 साल रे मोगल आक्रमणकारी बाबर कोटि कोटि भारतीयों का आस्थार केन्द्र अयोध्यार राम मंदिर को भांगी निर्माण करथिला विवादीय ढांचा। एही अपमान प्रतीक को हटाइबा पई हिंदू समाज को बहु संघर्ष करबा को पड़िछि। राम भक्त रक्त रे बहु बार लाल होइछि सरोज नदी जल अदालत रे दसंधि दसंधि धरी चली मामला एथिमध्य उल्लेखनीय थिला पूर्वतन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवाणी द्वारा सोमनाथ रु अयोध्या जाए रथयात्रा यार प्रभाव देशव्यापी पड़ा जगि उठिला कोटि कोटि हिंदू भावावेग एथिसह छद्म सेकुलार बाद होता पर्दाफाश। विश्व हिंदू परिषद आह्वान रे 6 डिसेंबर 1992 लक्ष लक्ष कर सेवक भारत प्रति अपमान प्रतीक बाबरी ढांचा को माटी रे मिसाई देले तेबे संघर्ष सेठी सरिलानी यहाँ पर चली लंबा अदालती लड़ई आउ शेषे 9 नवेम्बर 1919 सुप्रीम कोर्टर पांच जणिया खंडपीठ अयोध्या जन्मभूमि रामलालांक मंदिर निर्माण नहीं शुणाई ऐतिहासिक राय। ब्यूरो इनपुट सह बालेश्वर स्वरूप गयाधर साहू और दिल्ली गगन विश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।